नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने संविदा कर्मचारियों सहित 15 सूत्रीय मांगों को लेकर अजमेर में माननीय सीएम साहब अशोक जी गहलोत को ज्ञापन सौंपा। जी हाँ दोस्तों, 1 मार्च आज मैं बता दूं सीएम साहब का अजमेर और जोधपुर का दौरा है। अभी जोधपुर पहुंचे हैं, लेकिन इससे पहले वो अजमेर में थे। इसी दौरान राजस्थान के अखिल राज्य कर्मचारी महासंघ ने यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है और संविदा कर्मचारियों से समेत अन्य 15 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पे जल्द से जल्द पूरी करवाने को लेकर यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में क्या कुछ है, आइए इस वीडियो में विस्तृत रूप से जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पे राजस्थान अखिल राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने संशोधित मांग पत्र माननीय सीएम साहब को सौंपा है और इसमें पे मैट्रिक्स लेवल, इसके अलावा एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना 7, 14, 21, 28 और 32 सेवावधि पूर्ण करने पर जो वेतनमान है पदोन्नति का वो देना, इसके अलावा जो कर्मचारी कल्याण जो बिंदु संख्या था घोषणा पत्र में, उसके अनुसार जो अस्थायी संविदा कर्मचारी हैं या मानदेय अनुबंध के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किया जाए या समस्त चुनावी वायदे पूरे किए जाएं, एवं महासंघ द्वारा प्रस्तुत 15 सूत्रीय व संबंध संगठनों द्वारा सरकार को मांग पत्रों पर द्विपक्षीय वार्ता का निराकरण करने के लिए इन्होंने ये ज्ञापन सौंपा है। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। और राज्य में पीपीपी, ठेका प्रथा, निजीकरण, विभागों का आकार घटाना आदि को लेकर और रिक्त पदों पर दोस्तों सीधी भर्ती द्वारा भरा जाने को लेकर ये ज्ञापन यहाँ पे सौंपा और आगामी दिनों में जो संविदा भर्ती है उसको न किया जाए, ऐसा यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष के यहाँ पे साइन है दोस्तों, आप देख सकते हैं आसानी से। दोस्तों, बड़ी अपडेट आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे निकल के आ रही है। संविदा कर्मचारी को नियमित करने या अस्थायी कर्मचारी, मानदेय कर्मचारी, अनुबंध के अधीन जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको जल्द से जल्द नियमित करवाने को लेकर यहाँ पे जो अजमेर में यहाँ पे ज्ञापन सौंपा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला शाखा अजमेर ने यहाँ पे माननीय सीएम साहब को ज्ञापन सौंपा। दोस्तों, दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है अजमेर से, जहाँ पे संविदा कर्मचारी को नियमित करने और अन्य 15 सूत्री मांगों को लेकर अजमेर में सीएम गहलोत को यहाँ पे ज्ञापन सौंपा। बड़ी अपडेट दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।